दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्विज वाले। देखिए, क्वेश्चन है फर्स्ट की द फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, द सेंट्रोइड ऑफ रूट लोकस इज एट सी। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रोइड इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर पी माइनस समेशन ऑफ आर जेड अपॉन पी माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला क्या करना है, लोकेट द ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस इन द एस प्लेन, फाइंड द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ द रियल एक्सिस रूट लोकस ब्रांचेस एंड फाइंड द सेंट्रोइड एंड एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। देखिए, यहाँ पे सिग्मा तो सेंट्रोइड हो गया, आर पी क्या हो गया, सम ऑफ रियल पार्ट्स, सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ ऑल पोल्स, और ये क्या हो गया, सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ ऑल जीरोस। तो P इज द नंबर ऑफ पोल एंड Z इज द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, पोल्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पोल्स 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 0 है। तो यहाँ पे देखिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 माइनस नंबर ऑफ पोल्स करना है हमें, 0 माइनस 1 माइनस 2, नंबर ऑफ पोल्स हो गया ये माइनस जीरो अपॉन 3 माइनस 0, तो माइनस 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये माइनस 1, तो आपका जो आंसर है ये। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेक अवे पॉइंट ऑफ द रूट फ्रॉम द रियल एक्सिस फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम विद अ लूप गेन लाइज। देखिए, इसमें जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, दैट इज 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0, तो जो इसमें ब्रेक अवे पॉइंट होता है वो होता है डी के अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है 1 प्लस के ऑफ एस प्लस 10 अपॉन एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो यहाँ पे देखिए, k की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ एस प्लस 2 एस प्लस 5 अपॉन एस प्लस 10 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, k इज इक्वल टू कितना हो गया, जो आपका k था, k इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस, देखिए 7s प्लस 10 अपॉन एस प्लस 10। अब हमें क्या निकालना है, dk अपॉन ds। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। इधर देखिए, हमें क्या करना है, हमारे पास था k इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 अपॉन एस प्लस 10, यही था ना। तो हमें क्या निकालना है, dk अपॉन ds। तो dk अपॉन ds इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा इधर, s प्लस 10 का होल स्क्वायर, राइट? एंड इधर माइनस ऑफ कितना होगा ये, s प्लस 10 इंटू यहाँ पे ट्वाइस s प्लस 7 माइनस ऑफ s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका s प्लस 10 ऑफ 2s प्लस 7 इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 20s प्लस 70 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, प्लस 20s एंड प्लस 60 इज इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ पे आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वैल्यू कुछ माइनस 3.67 और माइनस 16.32 आएगी। तो ब्रेक अवे पॉइंट अकर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पोल्स, अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला वैलिड रीजन है, माइनस 3.67। इसका जो आंसर आएगा वो है आपका, किसके बीच में है, माइनस 2 और माइनस 5, क्योंकि माइनस 3.67 आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ होगा। वैसे अगर जैसे आपने बोला ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, find the intersection points of root locus branch with an imaginary axis, then find the breakaway break-in points. ठीक है,
अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन टू ट्रांसफर फंक्शन जी एस इज इक्वल टू दिस मच। द वैल्यू ऑफ के दैट यील्ड्स अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.5 फॉर द क्लोज लूप सिस्टम इज। देखिए सेकेंड ऑर्डर फंक्शन फॉर द अंडर डैम सिस्टम जो होता है वो होता है एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस झाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ये सॉरी के अपॉन दिस मच होता है। तो झाई क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो होता है, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है के अपॉन एस बाई एस प्लस थ्री हो जाएगा। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, के अपॉन एस स्क्वायर, कैसे निकालोगे, वन प्लस के अपॉन एस प्लस थ्री, वन प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जीरो। ये तो वन ही था, तो एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस के अपॉन एस ऑफ एस प्लस थ्री, यही होगा ना, कैसे निकलेगा, एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस के बाय एस ऑफ एस प्लस थ्री। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, अगर आपको क्लोज लूप निकालना है, ये तो ओपन लूप था, तो के अपॉन ये हो जाएगा के अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस के, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है। तो ये वन प्लस जी एस एच एस तो ये हो गया था, तो यहाँ पे ठीक है। अब आप इसमें देखिए, कंपेयरिंग इट विद द फॉर्मूला जो ट्वाइस झाई ओमेगा एन है वो थ्री है एंड जो ओमेगा एन स्क्वायर है वो के है, तो झाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0.5 है, तो हो जाएगा थ्री बाई वन, ये तो झाई इज इक्वल टू थ्री हो गया ना, नहीं ट्वाइस झाई इसने बोला, सॉरी डैम्पिंग रेशियो 0.5 है, हमें क्या निकालना है ओमेगा एन, तो हो जाएगा थ्री अपॉन 5 जो टेन, यानी कि तो ओमेगा एन तो 3 रेडियन पर सेकंड हो गया, और जो आपका के होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के है, तो के इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, तो ये 9, ठीक है। के क्या होता है, ओपन लूप गेन, के इज ओपन लूप गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम इन ऑर्डर टू हैव अ मार्जिनली स्टेबल रिस्पांस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टी। सी एप्रोक्सीमेशन क्या है e माइनस एस टी का, जो एप्रोक्सीमेशन है दिस इज एप्रोक्सीमेशन e माइनस एस टी इज 1 माइनस एस टी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस जी एस इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस एस टी। देखो e टू द पावर x होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे जैसे e टू दी पावर माइनस एस टी, तो ये 1 माइनस एस टी बाई 1 फैक्टोरियल प्लस, तो हमने अप्रोक्सीमेशन इसको नियर अबाउट 1 माइनस एस टी लिख दिया, तो 1 माइनस एस टी बाई एस ऑफ एस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस एस टी इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी ऑफ होल एस प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एस स्क्वायर है, ये एस 1 है, ये एस टू दी पावर 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 माइनस टी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो गया। तो फॉर सिस्टम टू बी मार्जिनली स्टेबल हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 माइनस टी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द ओवरऑल ट्रांसमिटर्स रेटिंग सी एंड आर। सी इसमें हम क्या करेंगे, इन द अबव सिग्नल फ्लो ग्राफ G1 G2 जो है पैरेलल में, यहाँ पे हो जाएगा G1 प्लस G2, राइट। उसके बाद अबव रिप्रेजेंट्स अ जनरल ब्लॉक डायग्राम, तो यहाँ पे सॉरी जो यहाँ पे C बाय R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इधर G अपॉन 1 प्लस GH, दैट मींस यहाँ पे ये तो समिंग पॉइंट था, प्लस माइनस ये R हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका G1 प्लस G2, और यहाँ पे ये हो गया इधर H1 और इधर हो जाएगा C, ठीक है। तो जी एच क्या हो गया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और जी क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन, जी क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे कंपेयरिंग इट विद आवर इक्विवेलेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ वी हैव जी इज इक्वल टू G1 प्लस G2। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, ये तो हो गया G1 प्लस G2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस H1, ठीक है, तो ये R हो जाएगा, ये C हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो GH है वो हो जाएगा G1 प्लस G2,
ऑफ एच वन. तो ओवरऑल ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा आपका, जी वन प्लस जी टू अपॉन वन प्लस जी वन प्लस जी टू ऑफ एच वन. दिस इज इक्वल टू ओवरऑल ट्रांसमिटेंस. तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, अभी इसने क्या बोला है, हाँ इसने सिग्नल फ्लो ग्राफ बना बोला है लेकिन बनाया उसको ब्लॉक डायग्राम के उसमें. ठीक है, वी गेट द ओवरऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ इक्विवेलेंट एज शोन बिलो. हम ब्लॉक डायग्राम के उससे हमने बनाई, जनरल ब्लॉक डायग्राम है. ठीक है, ये इस तरह से जाएगा. तो इसका जो आंसर होगा ये, तो इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू. कैसे आजकल एक मिनट, मैं आपको ये क्विज के क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.